सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पबजी न्यू स्टेट के इंस्टॉलेशन के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो पबजी न्यू स्टेट है क्राफ्टन का एक नया गेम है जो कि इंडिया के अंदर प्रॉपर्ली लॉन्च हो चुका है और बहुत से फ़ोन के अंदर जो लोग हैं इसको खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी फ़ोन के अंदर कुछ इशूज़ आ रहे हैं, जैसे कि कंपेटेबिलिटी का इशू आ जाता है, या जब वो प्ले स्टोर पर सर्च करते हैं तो उनको कुछ भी वहाँ पर पबजी न्यू स्टेट से रिलेटेड कुछ भी आइकन वगैरह देखने को नहीं मिलता है। तो कुछ फ़ोन हैं जो कंपेटेबिलिटी के इशू के कारण जो है उसमें इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसी बारे में बात करने वाले हैं कि जैसे कि आप पबजी को जो सर्च उस पर प्ले स्टोर पर सर्च करते हो पबजी न्यू स्टेट, तो गाइस आपको जो है वहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता। जैसे कि मैंने सर्च किया था पबजी न्यू स्टेट प्ले स्टोर पर, तो मेरे पास जो रिजल्ट है कुछ भी रिजल्ट में नहीं आया पबजी न्यू स्टेट से रिलेटेड। तो अगर आपके पास भी सेम ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है कि आपका जो फ़ोन है वो कंपेटेबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये एरर आपके पास भी आया होगा, फ़ोन का कंपेटेबिलिटी का एरर, ठीक है। तो अगर आप किसी थर्ड पार्टी की ऐप के थ्रू, जैसे टैप टैप ऐप के थ्रू इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर जो आपका पबजी न्यू स्टेट है वो शो हो जाएगा, वहाँ से डाउनलोड भी हो जाएगा, बट जब आप इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने एरर आ जाएगा, दिस ऐप वॉज नॉट इंस्टॉल्ड। तो ये बहुत से यूज़र के साथ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। तो गाइस मेरे साथ सेम ऐसे ही इशू है, तो मैंने काफ़ी जो है फॉर्मूलाज वगैरह ट्राई कर लिए हैं इसको इंस्टॉल करने के लिए, काफ़ी थर्ड पार्टी ऐप भी यूज़ करी है, बट ये इंस्टॉल नहीं हो रहा है। तो इसका मेन रीज़न क्या है, ये किस वजह से ऐसा कर रहा है कि इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो उसका मेन रीज़न क्या है। सबसे पहले बात करते हैं, मेरे हाथ में जो दूसरा फ़ोन है ये रेडमी का फ़ोन है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं प्ले स्टोर पर सर्च करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को देखने को मिल जाता है PUBG न्यू स्टेट डायरेक्ट इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये डायरेक्ट मेरे पास प्ले स्टोर का ऑप्शन सर्च करने से इंस्टॉल आ रहा है, ठीक है। तो ये क्यों आ रहा है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको ना सबसे पहले इसका आर्किटेक्चर चेक करना है, इसका जो प्रोसेसर है वो चेक करना है, 32 बिट है या 64 बिट है। उसके लिए एक एप्लीकेशन आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेनी है, एप्लीकेशन CPU-Z की, ठीक है। इससे आपका जो प्रोसेसर की जो आर्किटेक्चर है वो 32 बिट है या 64 बिट है वो सब यहाँ पर आ जाएगा, तो आपको वो चेक कर लेना है, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ इसके अंदर क्या करना है आपको। तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सिस्टम का, तो सिस्टम में चले जाना आपको। इस सिस्टम में जाने के बाद आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है 64 बिट, आर्किटेक्चर लिख के सामने 64 बिट, तो दैट मीन्स ये 64 बिट फ़ोन है, प्रोसेसर है, तो इसी करके इसके अंदर जो है हम इंस्टॉल कर पा रहे हैं। तो अब मेरे पास है दूसरा फ़ोन, ठीक है। तो दूसरे फ़ोन के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा सैमसंग का फ़ोन है, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये J7 Pro है और इसके अंदर जो है 3GB RAM है, ठीक है ना। तो 3GB RAM उन्होंने जो है क्राफ्टन की तरफ से मिनिमम रिक्वायरमेंट 2GB RAM है। J7 Pro मेरा फ़ोन है और इसका मैं अगर आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन दिखाऊँ तो सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में आप जाते हैं यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में देखने को मिल जाएगा, जो UI वर्जन है वो 1.1 है जो कि बहुत हायर है उसके लिए, और एंड्रॉयड वर्जन 9 है, जबकि उन्होंने 6.0 या इससे अबाव ही मेंशन किया हुआ है, तो मेरा उससे काफ़ी हायर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो फ़ोन की ऑलमोस्ट जो स्पेसिफिकेशन है वो प्रॉपरली वर्किंग में है, बट इसमें मेन रीज़न क्या है इस आर्किटेक्चर का, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरा जो आर्किटेक्चर है वो 8i है, यानी कि कुछ ये 81 और 86 करके आता है, तो 32 बिट में काउंट होता है। तो गाइस अगर आपका फ़ोन भी जो 32 बिट है ना, तो आपके फ़ोन में जो है पबजी न्यू स्टेट का ऑप्शन इंस्टॉल का आएगा ही नहीं। प्ले स्टोर पर अगर आपको प्ले स्टोर पर जो है इसका इंस्टॉलेशन का ऑप्शन नहीं मिला, तो दैट मीन्स आपके फ़ोन में जो है कंपेटेबल नहीं है, आप अपने फ़ोन में इसको इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे।